बेसिकली देख, भी सबसे पहले मैंने बताया फॉर्मेट के बारे में कि A2 का फॉर्मेट कैसा होता है, पैसे का फॉर्मेट कैसा होता है। तो मैंने बताया कि जैसे कि हमारा नॉर्मल सेंटेंस जो होता है वो A2 बेस में होता है। तो आप देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आता है, और इसके बाद में मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इसके बाद में जो भी एक्स्ट्रा हमारा शब्द है वो आ जाता है ना। इसके बाद में जैसे हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बेसिकली देख पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट को बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट में हमारा हिम था, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो बेसिकली देख पे इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लेकर आना है, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी सेंटेंस अगर हमारा पैसिव वॉइस में होता है तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, उसके बाद में बाई आ जाएगा, और जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, एक्स्ट्रा शब्द जो भी है वो लास्ट में लगाएंगे। लेकिन ये जरूरी बात ये है कि आजकल के जो मॉडर्न हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं, तो जब हम सेंटेंस को पैसिव में बनाते हैं, सो बेसिकली दैट मींस बाईस का प्रयोग ना के बराबर, या बाई समवन का प्रयोग ना के बराबर हम करते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देट मीन एक टेबल जो मैंने बनाई है, ये मतलब ये मान के चलिए 80% आपके सेंटेंस को पैसिव बनाने में सपोर्ट करेगा। आपके एग्जाम में चार ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन को पिक करना है तो इजीली आप पिक कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली देट मीन दीज कंडीशंस, ये कंडीशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना है कि अगर हमारे सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब में एसईएस या डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो जैसे ही हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब काम करेगा वो इज एम आर आ जाएगा, और इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा बाई आ जाएगा। इसके बाद में अगर हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ में वर्ब आईएनजी फॉर्म दिया है, तो जैसे ही हमें वर्ब आईएनजी फॉर्म मिल जाए तो फिर वहां पे हम बीइंग लगा देंगे। तो इज एम आर के साथ में देखिए यहां पे क्या लग गया, बीइंग लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हमारा बाई आ जाएगा, बोलो भाई समझ। इसके बाद में नेक्स्ट है एज एन एप, एज एन एप के साथ में हमारा बीन आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय। इसी प्रकार से वर्ब सेकंड फॉर्म डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पता चल जाएगा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, और जैसे हम सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाएंगे वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। इसी तरह से ये सारे पैटर्न हम काम करते हैं, और ये चार पार्ट होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ओके। इसके बाद में कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही रीड्स द रामायण, तो आपने देखा इस सेंटेंस में कि रीड में एस लगा है, यानी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। अब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव बनाते समय एज आई टोल्ड यू कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो यहाँ पे द रामायण लिखा है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट द रामायण आ गया। अब इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो आपने देखा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते समय हमारा जो वर्ब होगा इज एम आर, वर्ब थर्ड फॉर्म और बाई काम करेगा। अब इसके बाद कुछ मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, वो आपको पैसिव बनाना है, ठीक है।